नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्पीस वायरस का लैब डायग्नोसिस कैसे होता है और हम अपने आप को कैसे इस वायरस के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं और इस वायरस का इलाज क्या है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें तो सबसे पहले वायरस को आइसोलेट करने के लिए जो लीजन्स बनते हैं, जो घाव बनते हैं, वहाँ से सैंपल लिया जाता है और उसको ग्रो कराया जाता है या साइटोपैथिक इफेक्ट जो है वो हमें 1 से 3 दिनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग टेक्निक से हम इसको देख सकते हैं या टीनैक स्मेयर हम बनाते हैं जिससे रैपिड डायग्नोसिस की जाती है। यहाँ पे जिम्सा स्टेन से कलर करके जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल है जो वेसिकल्स के अंदर होता है उसको देखते हैं। कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इस प्रकार के वायरस के इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिससे डायग्नोस किया जाता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन को। इलाज के लिए एसाइक्लोविर जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने समय तक वो दवा चलेगा लीजन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा पेनसाइक्लोविर है, वेलसाइक्लोविर है और फेमीसाइक्लोविर, ये जेनाइटल हर्पीस के लिए प्रमुख रूप से दी जाती हैं जो जेनाइटल हर्पीस के रीअकरेंस को रोकती हैं। इन दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेनसाइक्लोविर जो है ये ओरल हर्पीस के रीअकरेंस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करें तो ये 3 प्रमुख ऐसी दवाइयाँ हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम इस वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए कर सकते हैं। बचाव की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अगर वेस्कुलर लीजन या अल्सर है तो उसको टच नहीं करना चाहिए और सीजेरियन सेक्शन जो है वो कराना चाहिए। सीजेरियन डिलीवरी का हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं अगर किसी भी लेडी को जेनाइटल लीजन्स हैं या वो पॉजिटिव आई है वायरल कल्चर में, तो हम उसके लिए सीजेरियन डिलीवरी कराते हैं ताकि बच्चे का संपर्क जो है वो ना हो, क्योंकि इसके कारण बच्चे के अंदर भी वायरस ट्रांसफ़र होकर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, जैसे न्योनेटल हर्पीस होता है या ऑफ्थेल्मिया न्योनेट्रम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।